हेलो फ्रेंड्स एंड हैप्पी न्यू ईयर। मेरे सारे फ्रेंड्स को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और इस साल और अगले हर साल आप लोग बहुत खुश रहिए और साथ में बहुत सारा एंजॉय कीजिए और सारे विशेष पूरे हो जाए। और मैं आज तो फ्रेंड्स आज नए साल की शुरुआत है और मैं इस नए साल की शुरुआत में कुछ नया कुछ करके ही करना चाहती हूँ। तो मैंने इसलिए आज मैं जो वीडियो करूँगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आज योलो फूड कलर चैलेंज 24 hours के लिए करूँगी। इसका मतलब क्या है कि मैं आज पूरे दिन जो कुछ भी खाऊंगी सब कुछ योलो कलर में आता है और योलो कलर के बिना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं खुद भी नहीं जानती हूँ कि मैं योलो कलर में क्या क्या खाऊँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि ये इस चैलेंज को मैं कॉम्प्लीट कर पाऊंगी या नहीं, वो भी मैं नहीं जानती हूँ। मैं सारा कुछ येलो ही खाऊंगी और मैंने आज येलो की ड्रेस भी पहन ली है येलो कलर की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सुबह कोई आज चाय और कॉफ़ी नहीं पी सकती क्योंकि वो येलो कलर में नहीं आते हैं। तो इसके लिए मैं आज ले रही हूँ मिल्क। और आप सब सोच रहे होंगे कि मिल्क तो वाइट है, इसको येलो कैसे बनाए। तो मैं इसके अंदर डालूँगी केसर बादाम जो कॉम्प्लेन है उसको डालूँगी। और केसर बादाम का जो कॉम्प्लेन का फ्लेवर है उसको मैं डाल रही हूँ। ये येलो येलो आता है ये देखिए। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी तो ये येलो हो जाएगा। येलो कलर हो गया है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये, आज खाना पड़ेगा क्योंकि आज येलो कलर चैलेंज है ना, इसीलिए। फिनिश कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और मैंने ब्रेकफास्ट के लिए लिए है मैगी जो कि योलो है। ये देखिए योलो योलो मैगी। तो मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। ये यम्मी है। तो मेरा खाना पूरा कंप्लीट हो गया है और अभी मैं मिलती हूँ आप सब से लंच के टाइम। और लंच में क्या है ये देखने के लिए तो वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं लंच में मिलती हूँ और क्या है ये भी आप लोग देखिए। बहुत देर हो गई है और अभी मैं लंच करूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और मैं आ गई हूँ और अभी लंच का टाइम हो गया है तो इसलिए लंच करना पड़ेगा। और आज न्यू ईयर भी है इसलिए घर पर कुछ स्पेशल भी हुआ है, लेकिन मैं येलो ही खाऊंगी और कुछ भी नहीं खाऊंगी। येलो कलर के जो होगा वही खाऊंगी और कुछ भी नहीं खाऊंगी। और न्यू ईयर के दिन तो हर घर में स्पेशल कुछ होता है और आज जो कुछ भी है सब कुछ मम्मी ने बनाया है और बहुत ही स्पेशल है। तो चलिए मेरा लंच स्टार्ट करते हैं और बहुत देर भी हो गया है। तो फ्रेंड्स मेरा येलो लंच आ गई है। और आज लंच में जो है मैंने लिए है पुलाव और साथ में मैंने लिए है चिकन कोशा। और ये सब कुछ मेरे मम्मी ने बनाया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। बहुत अच्छा। फूड
गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और मैं आ गई हूँ और मैं अभी मार्केट से ही आई हूँ घर पर, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा लंच और ब्रेकफास्ट तो मेरा हो गया है येलो कलर का, लेकिन मुझे मैं सोच रही थी कि क्या खाऊँ इस टाइम के लिए येलो कलर में, तो इसलिए मैं मार्केट गई थी और कुछ चीज़ मैं खरीद कर लेकर आई हूँ येलो कलर में, और वो खाऊंगी क्योंकि थोड़ा भूख लग रही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ वो चीज़ क्या है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली में क्या है कि मैं सुबह और इवनिंग दो टाइम पे चाय पीती हूँ, लेकिन येलो कलर की तो चाय नहीं मिलती है, और इसीलिए मुझे कुछ और खाना पड़ेगा आज। लेकिन मुझे चाय पीने का मन है बहुत ज़्यादा, तो क्या करूँ, आज के दिन तो नहीं पी सकती हूँ, तो चलिए मैं जो लेकर आई हूँ वही खाती हूँ। तो मार्केट से मैं दो चीज़ लेकर आई हूँ, एक है ये पंजाबी तड़का और ये है माजा, इसके साथ ये दोनों मैं खाऊंगी और इससे ही अभी का काम चला लूंगी मैं। और अभी का टाइम मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए। तो चलिए ये दोनों खा लेती हूँ। डिनर का टाइम हो गया है और डिनर में खाने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा, और मैं क्या खाऊँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत सोचा और उसके बाद मैं पोहा खाऊँ मैंने सोचा है, तो और मुझे खाने का मन नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि आज पूरे दिन तो बहुत कुछ खाया है। तो चलिए मैं पोहा बना लेती हूँ और उसके बाद मैं डिनर कर लूँगी। और मुझे कोई रोटी वोटी नहीं आती बनाना येलो कलर का, तो इसीलिए मुझे आज पोहा खाना पड़ेगा। और सिर्फ
तो फ्रेंड्स, मैं डिनर के लिए आज पोहा लिए हूँ, क्योंकि मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊँ, इसलिए मैंने पोहा बना लिया। और मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मेरा और मैं नहीं खा सकती हूँ। आज सारे दिन मैं बहुत कुछ खाया हूँ, इसलिए मैं और नहीं खा सकती हूँ। तो ये मैं कितना खा पाती हूँ मैं खुद भी नहीं जानती हूँ, तो देखती हूँ कि कितने देर तक खा पाती हूँ इसको, और उसके बाद इस चैलेंज को मैं एंड कर दूंगी। तो चलिए पोहा खा लेते हैं। और हाँ, ये पोहा मैंने बनाया है और सिर्फ मेरे लिए बनाया है, घर पर कोई भी नहीं खाना चाहते हैं, और मैं बनाया इसलिए मैंने खुद के लिए ही बनाया है। और ये आप लोग ब्रेकफास्ट में ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरा डिनर भी कंप्लीट हो गया है, और मेरा जो आज का जो चैलेंज था वो भी कंप्लीट हो गया है, और मैंने इसको अच्छे से ही निभाया है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और जो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज के लिए टाटा बाय बाय, मैं बहुत ही जल्द आऊँगी नया वीडियो लेकर। और फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर।